मान रही, आज बड़े एक सीरियस टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजूहात देखेंगे, उसका इलाज देखेंगे और उसे कैसे हम उससे बच सकते हैं। और ये टॉपिक है मुंह का कैंसर या मुंह का सरतान। तो आज ही मेरे क्लिनिक पे एक मरीज प्रेजेंट हुआ है जिसके मुंह के अंदर एक गाल वाला जो स्ट्रेच के अंदरूनी साइड जिसे बक्कल मुखोजा कहते हैं, एक स्वेलिंग बनी हुई थी जो काफी बड़ी स्वेलिंग थी जिसमें जगह जगह अल्सरेशन भी थी। जब उसकी हिस्ट्री तो पता लगा कि 1.5-2 महीने से ये स्वेलिंग बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इवन कि अब गले तक आ गई थी। गले में जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी उसके पेल्पेट हो रहे थे, दबाने से फील होते थे कि अच्छे खासे साइज बढ़ रहा है उनका। तो उस पेशेंट को परवाही कोई नहीं थी, वो जस्ट उसे समझ रहा था कि वैसे कोई मांस बढ़ गया, जैसे चीथ बाइटिंग से हो जाता है किसी वजह, या कोई दांत चुभने से गाल का हिस्सा बढ़ जाता है। तो ये देख के मुझे एक बड़ी अहम बात याद है जो मेडिकल की बुक्स में भी लिखी होती है कि पेन इज अ ब्लेसिंग, दर्द एक नेमत है। कोई तो दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे, या दर्द होगा तो हम उस चीज की मसले को समझेंगे कि इसमें कोई है बात कि हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। अब उसे दर्द नहीं था तो उसने उसे ऐसे उसे चलने दिए जो फैलता फैलता उसके गले तक पहुंच गया। तो असल मसला क्यों पड़ता है? ओरल कैंसर में जितने भी पेशेंट देखे हैं वो जब प्रेजेंट होते हैं उनका मसला यहाँ जुबान का अगर छाला है तो बढ़ते बढ़ते गले तक पहुंच जाते, पूरे जिस्म में फैल जाता है। असल मसला पड़ता है जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे, डॉक्टर मरीज को सही गाइड नहीं करते। एक मरीज डॉक्टर के पास गया जुबान के छाले के साथ, वो कहता है आपकी जुबान जल गई है, आपके फंगस लग गया है। वो ये नहीं कहता कि किसी डेंटिस्ट को चेक कराएं, किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को चेक कराएं, इसकी बायोप्सी भी करानी पड़ेगी, उसका क्या क्राइटेरिया है? अगर आपकी जुबान पे एक छाला निकला है, तो ज्यादातर जो छाला निकलता है वो जुबान के पिछले हिस्से की तरफ होता है जो खतरनाक हो सकता है, या गाल के अंदर या ऊपर तालू में, जहाँ जहाँ कल दाढ़ खत्म होती है उसके पिछले हिस्से में। अब छाला निकला है लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया और छाला सही नहीं हो रहा, तो आप इसको डॉक्टर को लाजमी चेक कराना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आपने नेगलेक्ट किया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकियों तक भी पहुंच सके। तो ओरल कैंसर की जो प्रेवलेंस है वो एशियन रीजन में ज़्यादा है, मल्टीपल काजेज हैं, पान छालियाँ खाने वाले इधर ज़्यादा हैं, इस वजह से इधर ज़्यादा है, स्मोकर ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे भी ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। दांत की जगह जड़ है वो गाल में लग लग के उससे भी टाइम के साथ साथ चेंजेस आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, मुंह में आपके क्या इन्फेक्शन चल रही है, इसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसमें मसला किस जगह पे पेश आता है? जब आपको कैंसर मुंह का हो गया है, इनिशियली तो आपको पेनलेस होता है तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता से जब बढ़ के गले की तरफ चला गया तो आपको निगलने में मुश्किल होगी, बोलने में मुश्किल होगी, खाने में मुश्किल होगी, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ये मसला हो रहा है। इसके अलावा आपका वेट लॉस, वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उस टाइम आपकी स्टेज कौन सी होगी डिपेंड करता है, उस लिहाज से आपका इलाज होगा। यूजुअली जो मुंह का जो कैंसर होता है उसमें फर्ज के जुबान पे आपकी कैंसर है तो आधी जुबान को आपको सर्जरी करनी पड़ती है, जुबान को रिमूव भी करना पड़ता है आधी जुबान को, और उसकी जगह इस जगह से पट्ठा कोई मसल लेकर उस जुबान को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। रेडिएशन छुआई लगती है मुंह में, कीमोथेरेपी भी होती है, मेडिसिन लगती है, तो एक बड़ा मुश्किल सफर होता है कैंसर के मरीज को। इसलिए बेहतर इसमें यही है कि आप पहले ही जैसे ही आपके मुंह में कोई भी छाला निकले, 15 दिन से ज़्यादा अगर वो सही ना हो तो इमीजिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना यही मसला आगे बढ़ता बढ़ता आपके सारे जिस्म के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। अब पूरी दुनिया में एक वाहिद जगह ऐसी भी है जिस पे कैंसर की प्रेवलेंस बड़ी कम है और वो मिडल ईस्ट है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रा डिटेल से बताऊंगा। आज की वीडियो तो हमारी ओरल कैंसर तक ही महदूद है जो मुंह का कैंसर, और इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल है पेशेंट के लिए, इलाज करवाते करवाते कि पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, फिर मुंह से उसे बोला नहीं जाता, उसकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी अगर कोई जॉब करे वो खत्म हो जाती है, तो एक ज़रा सी नेगलेक्ट की वजह से उसके सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुंह में आपके छाला निकले, मुंह में कोई दांत चुभ रहा हो आपके, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो, तो कभी भी उसे
नेगलेक्ट नहीं करता, फौरन डॉक्टर को चेक करवाएं इमीडिएटली, ये ना इंतज़ार करें कि अगर इसमें पेन शुरू होगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा मसला होगा, दर्द होगा, खाना खाने मुश्किल, तब हमने डॉक्टर के पास जाना है। इमीडिएटली आपने डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं ताकि आपका मसला ठीक हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई मसला हो तो नीचे ईमेल एड्रेस मेरा दिया, उससे आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।